फारूक, और आज मैं आपके लिए जो वीडियो लाया हूँ दैट्स वीडियो नंबर 3 इन द इंटायर सीरीज ऑफ हाउ टू लूज वेट आफ्टर प्रेगनेंसी। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस इस सीरीज से लिंक नहीं देखी हुई, प्लीज वॉच देम बिकॉज दे विल बेनिफिट यू। गो टू माई यूट्यूब चैनल अदनान फारूक और वहाँ पे आपको ये प्ले लिस्ट मिल जाएगी। ओके, ऑन टू दिस वीडियो, वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ और वट टू डू ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। पहली बात तो ये कि बिकॉज यू आर प्रेगनेंट, इट डजेंट गिव यू अ लाइसेंस टू ईट के जनाब अब तो काम मतलब बिल्कुल ही छोड़ दो, अब प्रेगनेंट हो गए तो जितनी पंजीरियाँ और वो सारा वो खाना है, डोंट डू दैट बिकॉज यू योर बेबी ओनली नीड्स 300 to maximum 500 कैलोरीज अ डे एंड दैट्स नॉट मच। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपने माइंड में क्या रखनी है कि आपका थायराइड इस वक्त is working extra and overtime because its role is mainly to provide energy. तो उस केस में आपने जो स्ट्रेसफुल चीज़ें हैं उनको मिनिमाइज करना है, और इस जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो उसके अंदर हम ओवर एक्सरसाइजिंग को डिस्काउंट नहीं कर सकते कि एक्सरसाइजिंग आपने कम कर देनी है। आप डेली वॉक करें और उसके साथ 2 से 3 दिन फंक्शनल बॉडी वेट ट्रेनिंग करें, दैट शुड बी गुड इनफ फॉर यू। ये कौन सी एक्सरसाइज होनी चाहिए प्लीज़ राइट मी इन कॉमेंट्स एंड देन आई विल रिप्लाई टू यू। तो ये बात होगी। तीसरी बात ये कि आपने जो अपना भूख का हिसाब है जो खाने के ज़िम्मे में, कि आपने ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं। योर हंगर लेवल्स विल टेल यू कि आपको खाने की कब ज़रूरत है। और हंगर के जब हम भूख की बात करते हैं तो एक होती है इमोशनल हंगर जो दिमाग में फील होती है कि टाइम हो गया है या कोई ऐसा स्ट्रेसफुल एपिसोड हो गया है, और एक है एक्चुअल या रियल हंगर जो पेट में आपको फील होती है, जिसको हम कहते हैं ना पेट में घुड़घुड़ पान, आपकी बॉडी कह रही है, आपके स्टमक कह रहा है कि जी मुझे खाने की जरूरत है, दैट इज़ द हंगर यू नीड। सो डोंट ओवर डू इट बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे होना क्या है कि जो आपने एक्स्ट्रा पाउंड चढ़ा लेने हैं प्रेगनेंसी के बाद, आपने माइंड में अपने आप को टाइम वही दिया हुआ है कि जो आपने दिया हुआ है, उसमें जितना ज़्यादा वेट होएगा उतना ज़्यादा आपकी बॉडी के लिए स्ट्रेस होएगा कि आप वो उस मखसूस टाइम पीरियड में ज़्यादा वेट लूज़ करने की कोशिश करें। तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा, यूजुअली वेमेन गो थ्रू दिस डिप्रेशन फेज आफ्टर प्रेगनेंसी एंड देर ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ द फैट एज फास्ट एज पॉसिबल। तो अगर फास्ट एज पॉसिबल है और उसमें अगर आपने एक्स्ट्रा अननेसेसरी वेट गेन किया हुआ है तो वो दैट विल वर्क टू योर डिसएडवांटेज, दैट विल फर्दर स्ट्रेस योर बॉडी, इट विल फर्दर स्ट्रेस योर थायराइड एंड योर मेटाबॉलिज्म। सो ट्राई टू बी माइंडफुल एंड स्मार्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ताकि पोस्ट प्रेगनेंसी आपको ये इशू ना आए। और इसके साथ साथ एक और बात भी करूँ कि आपने अपना थायराइड को चेक करवाना है और थायराइड की रेंजेस क्या होनी चाहिए प्लीज़ राइट मी इन द कॉमेंट्स और मैं आपको इसकी डिटेल भी बता दूंगा। सो दैट सम्स अप माई वीडियो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपने क्या करना है। इफ़ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस टॉपिक प्लीज़ डू राइट मी, मुझे इनबॉक्स कीजिए और आगे आने वाली वीडियोज़ को उनको भी इस सीरीज में देखिएगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज इफ़ यू नीड पर्सनल असिस्टेंस, इफ़ यू स्टिल अनक्लियर, देन यू नीड टू रीच आउट एंड टॉक टू अस एंड देन वी कैन गाइड यू ऑन अ पर्सनल बेसिस कि अगर आपको पोस्ट प्रेगनेंसी आपका वेट लूज नहीं हो रहा, वॉट आर द स्ट्रैटेजीज दैट यू कैन डू एंड वॉट आर द प्रोग्राम्स दैट यू नीड टू लुक इन टू जिससे आपका ये इशू रिजॉल्व हो। सो दैट्स इट फॉर मी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आई होप दिस वीडियो बेनिफिट्स यू, प्लीज़ शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।